हेलो फ्रेंड्स, मैं सुपर एल आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से इस टेक्निकल हाउस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स के मैसेज आ रहे थे जो मैंने अगली वीडियो पोस्ट की थी, जो थी मेरी फोटोशॉप में कैसे हम गुजराती और हिंदी में टाइप कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो अब मैं आप बताऊंगा कि इसमें जो गुजराती वाले फॉन्ट थे उसमें काफी सारी दिक्कत आ रही थी। मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हो बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि कुछ इस टाइप से आपका लिखा जा रहा था गुजराती में लिखते थे, तो अब हिंदी में ऐसा कुछ होता था। तो मैंने उस पर भी वीडियो बना चुका हूँ फ्रेंड्स, आप जाइएगा देख लीजिएगा। इसको हम पैरिटी प्रॉब्लम बोल सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने अभी तक हमारी चैनल इस चैनल टेक्निकल हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, अब इसको सॉल्व करने पे मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले तो आपको एक फॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि आपके कीबोर्ड के लिए होगा, जो कि है हमारा गुजराती इंडिक इनपुट 3। अब ये कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे यहाँ सेटअप करते हैं उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और साथ ही इस फॉन्ट की लिंक भी आपको गूगल ड्राइव की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, या फिर मेरी ब्लॉगिंग साइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं। फिर क्या एक और चीज रहेगी जो हमारे फोटोशॉप के लिए रहेगी, जैसे कि हमने एफ फॉन्ट लिखा है, राइट फ्रेंड्स, गुजराती वर्ड्स में, तो हमारे पास इनबिल्ट इसमें कोई गुजराती फॉन्ट नहीं होता है। ये देख सकते हो श्री गुजराती 0768 इस टाइप का आपको फॉन्ट भी इंस्टॉल करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इनसे क्या होगा कि आप जो भी लिखोगे वो गुजराती में ट्रांसफर हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स। अब क्या करना है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद इन सारी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है कि आपने जो फॉन्ट लिखा है इसको कॉपी कर लेना है, पहले यहाँ से ही कर लेना है, या फिर आप खुद से वापस लिख सकते हो। फिर ब्राउजर पे आके हम जो भी वर्क करेंगे वो ऑनलाइन वर्क ही होगा फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ लिखना है PramukhFontConverter.com, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसकी भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इतना आपको इसी साइड पे चले जाना है फ्रेंड्स, इतना लिखने के बाद फिर आपको यहाँ काफी सारे कन्वर्टर मिल रहे हैं, गुजराती फॉन्ट कन्वर्टर मिल रहा है, हिंदी फॉन्ट कन्वर्टर मिल रहा है, नेपाली फॉन्ट कन्वर्टर मिल रहा है, और साथ ही मराठी फॉन्ट कन्वर्टर भी मिल रहा है, और इसके अलावा भी काफी सारे फॉन्ट कन्वर्टर है, वो मैं कोई और वीडियो में बता दूंगा फ्रेंड्स कैसे यूज करते हैं। तो आपको गुजराती फॉन्ट कन्वर्टर पर सिंपल सा यहाँ क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, या प्रमुख गुजराती फॉन्ट कन्वर्टर लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ आपके सामने दो बॉक्सेस मिलेंगे और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हो, आपको पढ़ना है तो। अब हम मेन बात पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ गुजराती यूनिक कोड दिख रहा है, तो आपको फर्स्ट बॉक्स में गुजराती सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो मैं गुजराती सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हो गुजराती लिखा हुआ है, वो क्लिक करना है। और यहाँ आपका जो फोटोशॉप में आपने इंस्टॉल किया हुआ फॉन्ट है, जैसे कि यहाँ आपने जो मैंने बताया था हम यूज करने वाले सी गुजराती 768, राइट फ्रेंड्स, ए फॉन्ट को आपको वहां पे डाल देना है। वो कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स कम्प्लीटली वर्क। तो आपको यहाँ वही फाइंड करना है, सी गुजराती 768, आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स। तो इसमें हमें सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब क्या करना है कि हमने जो यहाँ लिखा था तत्काल उसको कॉपी कर लेना है, जो फ्रेंड्स मैंने पहले ही बता दिया था किस तरह से वर्क करना है। इसको कॉपी करके आपको यहाँ गुजराती वाले बॉक्स में ये गुजराती लिखा है वह आपको डाल देना है। तो आप देख सकते हो ठीक से लिख चुका है। अब मैंने यह आपको बताया था कि हमें इंडिक इनपुट क्यू डालना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आप यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि मैं यहाँ लिखता हूँ दृश्य, तो देखिए फ्रेंड्स ये कितना अच्छा लिखा जा रहा है। लेकिन यदि मैं इसको कॉपी करके एज इट इज कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ तो क्या होता है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि रिजल्ट आपके सामने ही मिल रहा है कि दृश्य ऐसा कुछ बिगड़ा हुआ लिखा जा रहा है, राइट फ्रेंड्स। तो अब हम इसको ठीक कर देते हैं कैसे। तो इतना सब कुछ सेटअप हो जाने के बाद आपको इस वाले एरो पे क्लिक करना है सिंपल सा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यह कुछ यूनिक कोड मिल रहा है जो आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा, लेकिन फोटोशॉप ऑलरेडी समझ जाएगा, आपने मेरी तरह सेटअप किया होगा तो इस टाइप का मिलेगा। इसको कॉपी कर लेना है और आपकी लैंग्वेज यहाँ से इंग्लिश कर देनी है फ्रेंड्स। ये मैं शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ फ्रेंड्स, वो है मेरी विंडोज स्पेस बार की, राइट फ्रेंड्स। ऐसे इसको सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेना है सिंपल सा। फिर क्या करना है कि हमारे फोटोशॉप में आके यह जो आपने लिखा है वह इसको हटा के वहां पेस्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स अभी ये यूनिक है, राइट फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, इस फॉन्ट पे चले जाना है सिंपल सा, जो मैंने बताया था श्री गुजराती उस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरीके से मतलब ये लिख चुका है, इसमें कोई अब बिगड़ा हुआ नहीं दिख रहा है, जो पहले था इनसे काफी अच्छा दिख रहा है और कंप्लीट वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स मैं इन सारी की सारी चीज की आपको
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे इंस्टाग्राम पे @yashupatel_88 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, और मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत, वंदे मातरम।